मैम, आज मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ, इंडियन ज्योग्राफी। और हम लोग इसको बहुत ही डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं। आज से पहले अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो टॉपिक वाइज पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग इसको स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है और बाकी मेनलैंड इंडिया से पीछे माना जाता है। आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया पीपल का अलाउ नहीं किया है। कुछ कुछ स्टेट्स में जाने के लिए हमें स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है एलिनेशन, अलगाववाद। पार्टीशन के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से अलग हो गया था और अभी वो 22 किलोमीटर लंबी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग चिकन नेक भी बोलते हैं। तीसरा चैलेंज है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। हर एक ट्राइब अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की मांग करती है और इनको अपना एक अलग एरिया चाहिए। कल्चरल पॉकेट्स चौथा चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट का। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेट अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री चाइना, म्यांमार, भूटान से लगती है और इंडियन स्टेट्स में असम और नागालैंड आएंगे। मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हिमालयस से कवर्ड है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिराप का कुछ हिस्सा पटकाई हिल से भी कनेक्टेड है। इसको हम लोग मैप में देख लेंगे। ये देखिए, हिमालयस से कनेक्टेड है और नीचे का कुछ हिस्सा पटकाई बम से कनेक्टेड है। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेंगे हम लोग, लोहित, चांगलांग और तिराप। ये देखिए, यहाँ पे तिराप है, ये है चांगलांग और ये लोहित। जैसा कि हमने पहले मैप में देखा था, हिमालयन रेंजेस ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश तक आती हैं और वो तिब्बत से अलग करती हैं अरुणाचल प्रदेश को। जो रेंज नागालैंड में जाएंगी वो इंडिया और बर्मा के बीच में एक बाउंड्री बनाएंगी, चांगलांग और तिराप डिस्ट्रिक्ट में। और नेचुरल बैरियर पटकाई बम, अभी हम लोग पीछे मैप में देख चुके हैं पटकाई बम को भी। दे आर लो माउंटेन्स कंपेयर टू ग्रेटर हिमालयस। इनकी हाइट ग्रेटर हिमालयस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ के रीजन्स, तिराप, चांगलांग और लोहित आपका म्यांमार से टच करता है और इस एरिया में पटकाई बम है। अब यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पासेस देख लेंगे, पांगसाउ पास, चौखन पास, फुंगन पास, योंगयाप पास, तुंगा पास, बूमला, सेला। सेला एक इंटरनल पास है, आंतरिक पास, तुलुंगला और लूशा पास। आइए अब कुछ पासेस को मैप में भी देख लेंगे। आइए मैप में देखते हैं, चौखन पास, दीफू पास, योंगयाप पास, तुंगा पास, बूमला, नाथुला, जलेबला, ये सिक्किम के पासेस हैं, बोमडिला, खोमजाओ और दिहांग पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर वैलीज, नदी घाटियाँ। यहाँ पे आपको 5 रिवर वैलीज मिलेंगी, कामेंग, सुभनसिरी, सियांग ऑल्सो नोन एज दिहांग, लोहित, तिराप। मैप में चेक कर लेते हैं इसको, ये कामेंग, सुभनसिरी, ब्रह्मपुत्र, सियांग बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में, सियांग है, फिर दिबांग और फिर लोहित। ब्रह्मपुत्र चाइना, इंडिया, बांग्लादेश से बहती है। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सांगपो तिब्बत में, सियांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, सियांग दिबांग और लोहित
असम के प्लेन्स में मिलेगी तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, और जमुना बांग्लादेश में। फिर से इसको मैप में देख लेते हैं। सियांग यहाँ से आएगी आपकी, अरुणाचल प्रदेश से, दिबांग, लोहित, तीनों असम में मिलके ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे जाएगी ये। अब यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि जलवायु क्षेत्र, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय 0 to 900 meters, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय 900 to 1800 meters, टेम्परेट शीतोष्ण 3500 meters, एल्पाइन 3500 plus। तो हमें यहाँ पे चार तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मिलते हैं, और यहाँ का क्लाइमेट है डीएफसी टाइप ऑफ क्लाइमेट। डीएफसी टाइप, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट विंटर। अब देख लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मैप पे। नीचे वाले हिस्से में हमको ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, और ऊपर चाइना के साथ जो लगा हुआ है वहाँ पे अल्पाइन। अब यहाँ के फॉरेस्ट टाइप्स, क्या क्या फॉरेस्ट टाइप्स हैं यहाँ पे वनस्पति। पहला ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्णकटिबंधीय जंगल। पाइन फॉरेस्ट, पैचेस में मिलेंगे स्मॉलर हिल्स पे। चीड़ के जंगल, ये कुछ स्मॉल पैचेस में मिलेंगे। फिर टेम्परेट, सम शीतोष्ण वन, और फिर एल्पाइन वन। तो आप लोग यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स मैप में भी देख सकते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन नीचे के हिस्से में असम से बाउंड्री बनाता हुआ, फिर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आएगा ऑरेंज कलर में, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आपको येलो कलर में मिलेगा, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आपको येलो में मिलेगा, और ये लाइट येलो में आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है ये वाले हिस्से में, और ये वाला आपका टेम्परेट फॉरेस्ट में आएगा। स्मॉलर पैचेस में आपको मिल रहे हैं पाइन फॉरेस्ट, और ऊपर चाइना के साथ लगते हुए अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर हिल रेंजेस, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ, आका, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। और याद रखिएगा ये अरेंजमेंट आपका वेस्ट टू ईस्ट है। यहाँ की हाईएस्ट पीक है कांगटो 7019 meters, इसको आप लोग मैप में भी चेक कर लेंगे और याद कर लेंगे। आपको आका मिलेगी यहाँ पे, फिर दाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, फिर मिशमी। इसका अरेंजमेंट वेस्ट टू ईस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बायोजोग्राफिकली अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हिमालयन प्रोविंस का हिस्सा है, और ये रिचेस्ट बायोजोग्राफिक प्रोविंस है हिमालयन जोन का, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसे एरियाज जहाँ पे कम से कम 1500 सवर्णीय पौधे होने चाहिए, जो उस क्षेत्र के अलावा और कहीं नहीं पाए जाने चाहिए। मतलब 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए। और दूसरा है कि ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो, और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्त के कगार पर हो। 70% एक्सटेंट प्लस 30% वहाँ पे एंडेंजर्ड हो, तो ऐसे एरियाज को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ में जाने से पहले हम लोग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको जान लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
ह्यूमन का इंटरफेरेंस इन तीनों में, इसी के हिसाब से इनकी डेफिनेशन को फिक्स किया जाता है। जैसे आप अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे तो इसमें ह्यूमन और नेचर दोनों लोग साथ में रहते हैं, मतलब ह्यूमन का यहाँ पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो सकता है। फिर आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बाकी वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के फॉरेस्ट एक्सेस कराए जा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वहाँ पे अलाउड नहीं है। तीसरा आता है आपका नेशनल पार्क्स, जहाँ पे नो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ह्यूमन का। तो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये तीनों ह्यूमन इंटरफेरेंस पे बेस्ड होते हैं। नेशनल पार्क्स यहाँ पे माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क्स हैज़ द नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और नामदफा जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है नामदफा नेशनल पार्क को। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे, दिबांग, कामलांग, मिहाओ, ईगल नेस्ट, डियरिंग, सेसा ऑर्किड सेंचुरी, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हम लोग सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, जब हम बहुत सारे स्टेट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको हर स्टेट का प्रॉपरली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व है और दो टाइगर रिजर्व्स हैं, नामदफा और पक्के। पक्के को पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। बिग फोर नेमली टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत का एक ही राज्य है जहाँ पे ये चारों साथ में मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे टू एंडेंजर्ड फेलिन स्पीशीज, दो बिल्ली की लुप्तीय प्रजाति भी पाई जाती हैं, गोल्डन कैट और मार्बल्ड कैट, और यहाँ पे टाकिन भी मिलता है, वन ऑफ द सेवन स्पीशी ऑफ प्राइमेट्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, और मिथुन यहाँ का एक मैजेस्टिक मैमल है। अब हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लिया, आइए जानते हैं डेमोग्राफी के बारे में। सबसे पहले यहाँ का सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात से हमारा मतलब है कि देश में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या, तो सेक्स रेशियो 938 है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी 17 है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 10 सालों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 26.03%, और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 65.40%। अब यहाँ की मेजर ट्राइब्स देखते हैं, प्रमुख जनजातियाँ, आदि, गालो, आका, आपातानी तापियो सॉल्ट के प्रोडक्शन में के लिए जानी जाती हैं, नीशी, टागिन, बोरी, वांचो और नोक्टे। ट्राइब्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, उत्सव जो यहाँ की जनजातियाँ सेलिब्रेट करती हैं, सी डोंगी टागिन सेलिब्रेट करेगी, रेह मिशमी, लोसर फेस्टिवल बुद्धिस्ट न्यू ईयर को बोलते हैं, आली आलियांग मिशिंग ट्राइब, द्री अपातानी, किकसाभा इस नॉन बुद्धिस्ट फेस्टिवल, छाम डांस शेड उपन ट्राइब सेलिब्रेट करती है। अब यहाँ पे कुछ करंट अपडेट्स में ILP के बारे में हम लोग जानेंगे, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट इंडियन सिटीजन्स को चाहिए होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में एंटर करने के लिए। मणिपुर अभी रिसेंट ऐड हुआ है 2019 में।
ILP इशू किया जाता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर, और ILP स्पेशल प्रोटेक्शन देता है वहाँ के इंडिजिनस पीपल को। ILP का मुख्य उद्देश्य मूल निवासी को संरक्षित करना है। अब यहाँ के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, भौगोलिक संकेत, ऑरेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ईडू मिशमी टेक्सटाइल, ये रीसेंट एडिशन है 2019 में। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, तो आइए देखते हैं आप लोगों को कितना याद है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट प्रीलिम्स टूलकिट पे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाई एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, निम्नलिखित में से कौन से पास इंडिया चाइना के बॉर्डर पर स्थित हैं, पांगसाओ पास, सेला, योंगयाप पास या तुंगा पास। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लीज़ उनको चूज कर लीजिए। तो इसका आंसर है सी, 3 and 4, योंगयाप पास एंड तुंगा पास। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉट ट्रू। पहला स्टेटमेंट है इट पासिस थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश ओनली, यह केवल इंडिया और बांग्लादेश से बहती है। और सेकेंड, इट इज़ नोन एज दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। इसका आंसर है सी, बोथ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ये इंडिया बांग्लादेश और चाइना से बहती है और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नहीं, सॉरी दी दिहांग बोलते हैं या फिर सियांग भी बोलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉलोइंग हिल रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन पहाड़ियों को ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए। याद रखिएगा ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, मिशमी, आका, दाफला, अबोर, जल्दी से इसको अरेंज कर लीजिए। तो इसका आंसर है बी, मिशमी, अबोर, दाफला, आका। इसको याद करने का एक तरीका भी है, हम लोग ने मैप में देखा था, ये देखिए आका, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो ये आएगा ADMAM, एड मैम, और इसी का ऑपोजिट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये आपका 2018 के UPSC में पूछा गया था। इजी है क्योंकि अभी हम लोगों ने एक ही स्टेट पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश। फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अंडर ILP, निम्न में से कौन सा राज्य ILP के अंतर्गत आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, चूज कर लीजिए। इसका आंसर है ए, 1, 2 and 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम है। अब हमारा लास्ट सेगमेंट ट्रेन टू मेंस, ये क्वेश्चन को आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, और अभी रीसेंट इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, भारत चीन सीमा संवाद के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और अगर आपके जो भी डाउट्स हों आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।